जब तक यूपीएससी अपनी आंसर की नहीं रिलीज कर देती, तो यूपीएससी अपनी आंसर की कब रिलीज करती है? जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। तो जब तक यूपीएससी अपनी आंसर की नहीं रिलीज करती, तब तक बहुत सारे प्रिडिक्शंस और डिस्कशन इस बारे में चलने दो वाले हैं कि मुझे यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन सही, कौन से क्वेश्चन नहीं सही, किन क्वेश्चन के कौन से म्यूट आंसर कर लो ना, क्यों बोल रहे हो बीच में। डिबेट्स होने हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसमें फैकल्टीज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी राय देंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अराइज होते हैं बच्चों के सामने, खास तौर पे उन लोगों के सामने जिनको मेंस देना है, कि कितना स्कोर होगा उनका, ये तो पहला क्वेश्चन होगा। फिर कितना कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ का प्रिडिक्शन क्या होगा, हम लोग सभी चीजों में बात करेंगे। और जो भी क्वेश्चन के आंसर आए हैं, ये सारे आंसर किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से डिराइव किए गए हैं, देयरफॉर यहाँ पे डाउट करने का स्कोप नहीं बनता है। आप लोग साथ में प्रूफ चेक कीजिए और उसके बाद अपने आंसर का मिलान कीजिए। तो खास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कल ये एग्जाम दिया है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आने वाला प्रीलिम 2024 का अपीयर करना है। तो कहने का मतलब यही कि इसे देखिए और पहले तो अपनी तैयारी करिए क्वेश्चन के लेवल पे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जिन लोगों ने कल का एग्जाम दिया है वो अभी एक दो दिन रेस्ट करेंगे, आई होप सो, साथ में अपने पेपर का मिलान करेंगे और देखेंगे उनका स्कोर कितना बनता है। स्कोर जितना भी बने, 70, 80, 90 या 100, कोई भी स्कोर बनता है, मेंस की तैयारी करना अनिवार्य है। और वैसा क्यों, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एट आईएएस दरबार इकोनॉमी क्वेश्चन डिस्कशन यूपीएससी सीएसपी 2023। सो लेट्स स्टार्ट। नाम सर जी, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहली बात तो ये कि सीरीज कौन सी है। हमारे पास जो पेपर की सीरीज है, ये है सीरीज बी। ठीक है, हम लोग सीरीज बी के क्वेश्चन लेने वाले हैं। हाँ, यूपीएससी का जो पेपर GS1 का जो सीरीज है, ये बी है। ठीक है, सीरीज बी। तो आप लोग जो भी मिलान करेंगे इस पेपर का, सीरीज बी के की पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए किसी भी ऑथेंटिक चैनल से, और जिनको दिक्कत आ रही है वो पेपर हमसे मांग लेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर से डायरेक्ट लेके आए हुए हैं, तो अगर आप केवल क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं तो वो साथ में आपको मिल जाएगा यहीं पे, है ना। आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट वन क्या कहता है। अच्छा, आप लोग अपने अपने मीडियम के हिसाब से, आप में से कुछ लोग हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों लोग हैं, ठीक है, प्रेफरेबली मैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ में आप लोग हिंदी मीडियम के क्वेश्चन देखते चलिए, ठीक है, इसलिए हमने दोनों स्लाइड पैरेलली ली हैं। तो इंटरेस्ट स्लाइड थोड़ा साफ नहीं दिख रही ना। हाँ, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा वैसे फेडेड कलर का होता है ना, लेकिन आप अपना इंटरनेट क्वालिटी ठीक रखोगे तो ये आपको दिखाई देगा। कल ज्योग्राफी का सेशन हुआ, हमने देखा है, जो बच्चों ने देखा है तो उन्होंने इस बात का बोला कि हाँ ठीक है, पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर की कलर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये यूपीएससी का पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डेफिसिट इन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम इन्विट शॉर्ट में बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम नहीं है। नॉर्मली इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सर, ये कौन सा है, बी ना? बी, यस इट इज बी सीरीज। सर मेरी भी बी सीरीज है, बट ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 41 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, 41 है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा 61। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन पहला किस बारे में है, क्वेश्चन इस बारे में है कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन सी नहीं। इनकम टैक्स एक्ट इस बात को क्लेरिफाई करता है कि ऑल द इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल, एनी कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी अदर ग्रुप इज सब्जेक्ट टू बी टैक्सेबल एक्सेप्ट स्पेशल कंडीशन इज प्रोवाइडेड।
मतलब ये है कि कोई भी इनकम आपकी या किसी इंस्टीट्यूशन की, जैसे इनविट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात है ये इनविट, तो ये जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, ये यहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाते हैं या कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं, उससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक कि आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, दूसरा आप डिविडेंड अर्न कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा और इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब जैसा कि मैंने आपसे इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करी कि सभी इनकम आपके टैक्सेबल होते हैं एक्सेप्ट स्पेशली प्रोवाइडेड बाय द लॉ। इंटरेस्ट की इनकम हो चाहे डिविडेंड की इनकम हो, इन जनरल ये सारी इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का एग्जम्पशन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि कोई इनकम इंटरेस्ट के द्वारा अर्न की गई है। देयरफॉर यहाँ पे जो एग्जम्पशन की बात हो रही है ये गलत है, ठीक है। ऐसी कोई इनकम इस प्रकार से एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे डिविडेंड से इनकम हो और चाहे इनकम से इंटरेस्ट से इनकम हो। अगर आपने पैसा इन्विट में लगाया है, किसी बैंक ने पैसा इन्विट में लगाया है, तो उसकी इनकम पे उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। अब ये बात आते हैं कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे ये, और इस साल ये अचानक बदलाव क्यों है? जैसे कि पहले क्वेश्चन आता था कि कथन एक सही, कथन दो सही, दोनों गलत। अब ये थोड़ा सा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो गया है। पहले तो दोनों कथनों की सत्यता की आपको जांच करनी होती है, फिर ये देखना होता है क्या एक कथन दूसरे कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो हमें ये बात पता चल गई कि पहला कथन गलत है। अब ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड इज द स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो पहले हमें बात पता होनी चाहिए क्या दोनों कथन सही हैं। तो आइए दूसरे कथन पे इस बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2002 2002। इस एक्ट के तहत क्या इनविट बारोवर हो सकता है? तो मैक्रो इकोनॉमी की क्लास में हमने आपसे बारोवर के बारे में कुछ चर्चा करी है कि बारोवर कौन होता है। अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो जो जिसने पैसे प्राप्त किए वो बारोवर है। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो चूंकि बैंक ने पैसा मुझसे प्राप्त किया इसलिए बैंक बारोवर है। अगर मैंने बैंक से पैसे लोन में लिए तो चूंकि पैसे मैंने प्राप्त करे बैंक से तो मैं बारोवर हूं। उसी तरह अगर मैंने पैसे इनविट में लगाए तो इनविट बारोवर है। ये तो लेमैन डेफिनेशन हो गई। उसी तरह अगर कोई बैंक इनविट में पैसा लगाता है तो इनविट बारोवर है बैंक के सामने। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि हु इज द बारोवर। नाउ व्हाट एक्ट सेज, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि एक्ट क्या कहता है बारोअर की डेफिनेशन के लिए। इस एक्ट के सेक्शन एफ में बारोअर की डेफिनेशन क्लियरली एस्टैब्लिश की गई है दैट आरबीआई प्रोवाइड्स एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज बारोअर हु इज सपोज टू और हैड बारोड मनी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। कि किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा ले सकता है या लेता है तो वो बारोअर है, ठीक है। आपको एविडेंस इसके बाद दिखा दिया जाएगा, ठीक है। देयर फोर स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट। अब हमको ये बात पता चल गई कि स्टेटमेंट वन सही नहीं है और स्टेटमेंट दो सही है। अगर हम केवल ये जांच करना चाहें कि स्टेटमेंट नंबर वन करेक्ट नहीं है तो कौन सी कंडीशन को जस्टिफाई करता है? आपके सामने चार विकल्प हैं, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कथन दो यानी कि स्टेटमेंट नंबर टू स्टेटमेंट नंबर वन का
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चूंकि हमारा पता है, हमें पता है कि स्टेटमेंट नंबर वन गलत है, इसलिए ये अपने आप में बाहर हो जाता है। बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दोनों गलत है, सॉरी स्टेटमेंट वन गलत है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। केवल टू स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर सी पे आ गए हैं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज नॉट करेक्ट, तो वन तो इनकरेक्ट है, हमें पता चल चुका है ऊपर, तो ये भी बाहर हो जाता है। और हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो डी बचता है, उसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट नंबर वन इज नॉट करेक्ट, जबकि विकल्प नंबर दो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने मीडियम के हिसाब से आप चीजों को पढ़ते रहिए और देखते रहिए। हम इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा और जाएंगे और साथ में देखते चलेंगे, बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी होते हैं, और उसके लिए क्योंकि आपको अगर इस साल भी अपना स्कोर सही से निभाना है या अगले साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको चीजें बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। जो पेपर की डेप्थ है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोर डीपर पेपर देन एवर आस्क्ड बाय यूपीएससी। 2019, 20, 22, 23 पांच सालों के पेपर्स में एनालिटिकल पार्ट है वो काफी बढ़ चुका है, और इस लिहाज से ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है यूपीएससी की हिस्ट्री में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने भी कल यही दिया था तो मेरा बी था। सो डी, डी यहाँ पे सही है, डी फॉर डॉग। मेरी तो सीरियस थी बी थी, और मेरा डी वाला सही है, मैंने भी यही किया है, इनकरेक्ट किया है। अभी बस, अभी बस, अभी बस चुपचाप, अभी बस चुपचाप अपने क्वेश्चन में आंसर लिखते रहिए अपने क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाद में हम वन टू वन बाद में बात करेंगे, क्योंकि मोर देन 100 पीपल इस चीज को देख रहे हैं, तो हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि समय के साथ खत्म किया जाए। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि इसके एविडेंस क्या है कि हम ये बात कह सकते हैं, तो टैक्सेबल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम की बात मिल जाती है। ईटी नाउ में इसके बारे में आया था, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है उस पे। दूसरा, जब हम इस एक्ट की, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट की बात करते हैं 2002 वाले में, तो इसमें सेक्शन एफ में बारोअर का डेफिनेशन है, और ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपसे बताई कि बारोअर कौन है, जो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक से पैसा रिसीव करता है वो बारोअर है। तो क्या इनविट किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बारो करता है, ये चेक करने के लिए हम एक और रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपी थी, जिसके हिसाब से आरबीआई ने अप टू 10%, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यूनिट कैपिटल बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो करने की परमिशन दी है। देयरफॉर इनविट इज बारोअर। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट नंबर टू करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर वन नहीं करेक्ट है, गलत है। देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा वो डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सभी इसके आंसर्स लिखते रहिए। सीरीज बी क्वेश्चन नंबर 41 खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम 42 पे आ चुके हैं। 42nd क्वेश्चन पे देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड टू दोनों दिए हैं, और इसमें भी उसी तरह की सिचुएशन है कि कौन कौन से कथन सही है, हमें ये पता होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए क्या जो स्टेटमेंट नंबर टू है वो स्टेटमेंट वन क्या वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसी बात की जांच करनी है। आइए चेक करते हैं। पहला कथन क्या कहता है, इन द स्टेटमेंट नंबर वन, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। जो लोग न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करते हैं और हमारी मैक्रो इकोनॉमी की क्लासेस देख चुके हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट। ठीक है, कैसे, कोविड के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों में इन्फ्लेशन जो है वो राइज हुआ। अमेरिका जहां पे 1-2% के बीच में इन्फ्लेशन रहा करता था, आज कम से कम लास्ट 100 ईयर से, वहां पे भी इन्फ्लेशन 9% तक टच कर गया, और इवन अभी भी वहां पे 5% से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। इंडिया में भी कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन है वो 9% के आसपास था, फिर करीब 21-22 के साल में करीब 7% के आसपास था, फिर 22-23 वाले साल में 6% से अधिक था, अभी ये 5.8% के आसपास भारत में इन्फ्लेशन है। इसी तरह दुनिया के ज्यादातर देशों में, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप के देश हों, एशियन कंट्रीज हों,
अमेरिका हो, ज्यादातर कंट्रीज में इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है। इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम रेपो ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, जैसे भारत की रिजर्व बैंक होती है, उसी तरह हर देश में कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होती है। अमेरिका में ऐसी बैंक को फेडरल बैंक ऑफ यूएसए बोलते हैं, इंडिया में इस बैंक को आरबीआई बोलते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है और इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए रेपो ऑपरेशन करता है। रेपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इस बात पे क्वेश्चन है, चलिए चलिए चेक करते हैं कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, क्या उन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई? हाँ, अगर बैंक ब्याज दर बढ़ाती है तो उससे क्या होता है, जरा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ये अगर रेपो रेट को बढ़ाती है तो ऐसे कंडीशन पे रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे उस देश की जो दूसरी बैंक है, जैसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या अदर बैंक, वो इसी रेपो रेट से मनी प्राप्त करती हैं आरबीआई से। तो ऐसे कंडीशन पर इनको डियर मनी प्राप्त होगी, महंगी मुद्रा मिलेगी। ठीक है, जब इनके पास महंगी मुद्रा होगी तो ऐसे कंडीशन पर कोई भी बैंक आरबीआई से कम पैसा बारो करेगा। ठीक है, और जब बैंक के पास कम पैसा होगा तो बैंक पीपल को कम पैसे लेंड करेगी, कम पैसे उधार में देगी, तो इससे मनी सप्लाई में कमी आती है, जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक मेथड है। इस तरह से जब हम चेक करते हैं तो ये ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड चलाया गया था, इस तरह से कथन सही। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी मींस। तो बात वही है कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं जैसे आरबीआई, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के माध्यम से राइजिंग प्राइसेस मींस इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेंडेंसी उनमें है और यही उनका मेन पर्पज है। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की व्याख्या सही से करता है? Does it explain correctly this statement number one? तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका, क्वेश्चन पूछना था, पूछो। नहीं, जब तक आपको मौका नहीं दिया जाए तब तक बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? नहीं, सबका माइक म्यूट कर देंगे अभी, ठीक है? इसलिए अभी सब शांति से सुनो, हम आपको बीच में मौका देंगे तब आप बीच में बोलना, ठीक है? अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात है तो जब हम आंसर तक पहुंच जाएंगे तब हम आप बोलना, ठीक है? चलिए, तो क्या सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की सही व्याख्या है? तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप सेकेंड स्टेटमेंट को बाय अप्लाइंग बिकॉज साथ में पढ़िए। तो जब आप इस तरह से देखते हैं, इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक बिकॉज सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी, दैट्स ट्रू। इस तरह से दोनों कथन सही है और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है? देयरफोर जो हमारा आंसर होगा वो ए, ठीक है? ये हमारा आंसर होगा। सर, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। हाँ हाँ, बस एक मिनट, अभी बस आपसे बात करती हूँ, ठीक है? इस तरह से हमारा ऑप्शन जो आंसर है वो ए होता है। सर, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। आनी चाहिए, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है, सबको आ रही है। हमारा आंसर ए है।
हाँ जेंटलमैन, आप बात करना चाहते हैं, अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा नाम सुमित शर्मा है। यस सुमित सर, जैसे कि आपने बोला कि मतलब बैंक दरें बढ़ जाएंगी, आरबीआई अपनी दरें बढ़ा देंगी, सर जब COVID-19 था तो अर्थव्यवस्था तो हमारी गिर गई थी, तो लोग बेरोजगारी था, लोग बस पैसा नहीं था, तो फिर इन्फ्लेशन जब बस आपका हो गया बेटे। वो सारे टॉपिक ना वो एक अलग डिबेट है, वो सारी कि कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी क्यों ली गई थी, वो सारा चीज ये पेपर डिस्कशन के टाइम पे नहीं, ठीक है। जब हम इन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, अभी एडवांस क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो हम उसमें सारे डेटा के साथ डिस्कस करेंगे कि हाँ कब क्या चीजें थी, क्यों इकोनॉमी काउंट्रैक्ट हुई, क्यों इकोनॉमी राइज हुई, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा, क्यों इन्फ्लेशन को काउंटर किया गया जबकि मैन्युफैक्चरिंग कम था, इसके बाद भी कैसे सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं हुई, और बाद में जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो भी सप्लाई साइड प्रॉब्लम, वो सारा एक अलग मुद्दा है पूरा, है ना। वो ऐसा 5 मिनट का डिबेट नहीं होता उसमें, और वो यूपीएससी क्वेश्चन के टाइम में तो बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना ऐसी चीज का, ये सारे डिस्कशन बाद में होंगे। नहीं सर, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो आरबीआई तो दर कम करेंगे ना, तभी ना लोगों के पास पैसा आएगा। जेंटलमैन, लोगों के पास पैसा है या नहीं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आरबीआई के लिए होता है कि महंगाई है कि नहीं। अगर महंगाई है तो आरबीआई ये अज्यूम करके चलती है कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं मतलब लोगों के पास पैसा जी सर जी आपूर्ति से ज्यादा है, जितना वस्तुओं की आपूर्ति है सप्लाई है उसके सामने लोगों के पास ज्यादा पैसा है। इकोनॉमी ऐसे वर्क करती है, ठीक है। इकोनॉमी इस अजम्पशन पे वर्क नहीं करती कि मेरे पास पैसा है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीजें इस पे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी का है, क्वेश्चन नंबर 43, देखो सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक इकोनॉमी के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उधर 66, 67, 68 के आसपास दो तीन क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं, और फिर बाद में 90 के बाद में, तो टोटल तो करीब 17-18 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमी के हैं, और दो से तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के साथ मिक्स्ड हैं, कि मतलब उनका एक स्टेटमेंट ज्योग्राफी का है, दूसरा इकोनॉमी का है, एक क्वेश्चन साइंस टेक का है, एक स्टेटमेंट साइंस टेक का है, दूसरा इकोनॉमी का है, एक स्टेटमेंट एनवायरनमेंट का है, दूसरा, इस तरह के ब्लेंडेड क्वेश्चन भी हैं। सर टोटल कितने हैं? इकोनॉमी के टोटल क्वेश्चन है 21, जिसमें प्योर इकोनॉमी के क्वेश्चन, ओके सर थैंक यू, चार क्वेश्चन जो है वो ब्लेंडेड है, ठीक है। ब्लेंडेड का मतलब डुअल नेचर के क्वेश्चन है, उनको ज्योग्राफी वाले भी क्लेम करते हैं, साइंस टेक वाले भी क्लेम करते हैं, एनवायरनमेंट वाले अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेंगे कार्बन मार्केट वाला, उसको एनवायरनमेंट वाले सर भी दिखाएंगे, हम लोग भी दिखाते हैं, नो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। देखो जो क्वेश्चन का नेचर है, फिर ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब इसको एनवायरनमेंट वाले भी दिखाएंगे कि कार्बन मार्केट की बात है, क्यों, जो कार्बन सर्टिफिकेट्स हैं वो कहां से आए, किसी को आइडिया? क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 से। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। जो 1997 में आया था उसने कार्बन सर्टिफिकेट के बारे में इनिशियली ये मैटर रेज किया था। तो ये कार्बन सर्टिफिकेट का प्रिंसिपल क्या होता है, दोज हु नो इट्स नाइस एंड दोज हु डोंट प्लीज लिसन। जैसे अगर एक फैक्ट्री है अगर एक मान एक एक टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 100 यूनिट कार्बन एमिट करना गवर्नमेंट ने आपके लिए मैक्सिमम लिमिट सेट करी है कि एक फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट कार्बन एमिट कर सकते हैं, तो और एक फैक्ट्री है जो कि 120 यूनिट कार्बन एमिट करती है, दूसरी फैक्ट्री है जो कि 70 यूनिट कार्बन एमिट करती है, दोनों का वॉल्यूम और स्केल सेम है, तब ऐसा कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो इस कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि ये जो अपनी लिमिट से ज्यादा इसने कार्बन एमिट किया है, कितना अपने लिमिट से ज्यादा, चूंकि लिमिट 100 है, इसने कितना एमिट किया, 20 ज्यादा, तो इस 20 ज्यादा एमिट करने के सामने वो कार्बन सर्टिफिकेट खरीद ले। ऐसी कंडीशन पर ये कुछ पैसा दूसरी फैक्ट्री को देगी और 20 यूनिट के बराबर का ये सर्टिफिकेट इनको दे सकते हैं,
अब ये क्यों दे सकते हैं? बिकॉज इन्होंने 100 यूनिट के सामने कम कार्बन एमिट किया है, कम पर्यावरण को गंदा किया है। तो वैसी कंडीशन पर ये जो कंपनी ए है, फैक्ट्री ए है, ये फैक्ट्री बी से ऐसा कार्बन सर्टिफिकेट परचेस कर सकती है। इसे हम कार्बन मार्केट में डील करते हैं। ऐसा दो फैक्ट्री एक दूसरे सामने सामने सर्टिफिकेट नहीं खरीदती, डेफिनेटली इन बिटवीन देयर आर सम एजेंट्स जो ये फैसिलिटेट करते हैं सर्विसेज, नॉर्मली ये गवर्नमेंट एजेंट होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए किसी कंट्री में दो कंपनियां हैं ए और बी, और दोनों ज्यादा एमिट करते हैं, वो 20 एमिट करते हैं या 170 एमिट करते हैं, मतलब दोनों ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पोल्यूशन एमिट किया, ठीक है, उसने 20 ज्यादा किया, इसने 70 ज्यादा किया, तो अब इन दोनों ने क्या चाहिए कि कार्बन सर्टिफिकेट खरीदें, किससे? गवर्नमेंट से। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये गवर्नमेंट से कार्बन सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। वेरी नाइस, बस अभी बस इतना, देखो थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, बाद में आराम से ज्यादा बात करेंगे, तो क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? ओके स्नो, तो ये सही है, पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास, अगर सारी कंपनियां ज्यादा पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं तो, ठीक है, सारी कंपनियां ज्यादा, अगर हम कहें कि सारी नहीं, कुछ ज्यादा एमिट कर रहे हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि कार्बन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट बेच रही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पोल्यूशन को क्लीन करने का टारगेट होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, या किसी और तरह का पोल्यूशन, वो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करती है, ये पोल्यूशन हटाने का काम करती है। ऐसी कंडीशन में फाइनली गवर्नमेंट वो सर्टिफिकेट आपको दे सकती है, किसी भी फैक्ट्री ओनर को दे सकती है। अब ये तो बैकग्राउंड है क्योटो प्रोटोकॉल का, यहां से हम इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखो अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द, तो वन ऑफ द तो कोई भी हो सकता है, वन ऑफ द मतलब कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो तरीके हैं हमारे, उनमें कार्बन मार्केट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि वहां पे आप कार्बन सर्टिफिकेट के माध्यम से कंपनियों पे दबाव बना सकते हो, कंपनियों पे लिमिट सेट कर सकते हो कि तुम ज्यादा कार्बन नहीं एमिट करना, अन्यथा तुमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन पे हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। क्या इसमें कुछ स्टोरी बची है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कार्बन मार्केट्स में एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ये सारे राइट्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट बेच सकते हैं उनको, जिन्होंने ज्यादा पोल्यूशन एमिट किया है, जितना टारगेट एलोकेटेड है या लिमिटेशन सेट है उससे ऊपर पोल्यूशन एमिट किया है, तो जो गवर्नमेंट होगी वो सर्टिफिकेट सेल आउट कर सकती है, सोल्ड आउट कर सकती है। तो चूंकि ये पावर गवर्नमेंट के पास है, फंड लास्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो टेक्निकली आप देखोगे तो कार्बन मार्केट प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट को रिसोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, लेकिन ऐसी कंडीशन पे हमारे पास दो विकल्प हैं जहां की दोनों स्टेटमेंट सही होने की चर्चा की गई है। पहला स्टेटमेंट नंबर वन यानी कि ए, दूसरा स्टेटमेंट नंबर बी। स्टेटमेंट वन में यानी कि ए में दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट पहले की सही व्याख्या करता है। तो क्या ऐसा है क्या इसमें? अभी हम चेक करते हैं। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। सेकंड, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। सी, दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातें एक दूसरे में किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिसोर्स गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना कार्बन मार्केट का उद्देश्य नहीं है, वो तो एक पनिशमेंट है। ऐसे कंडीशन में अब आप अगर विकास लगा के पढ़ोगे तो भी स्टेटमेंट अपने आप में जस्टिफाई नहीं होता कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट
क्लाइमेट चेंज बिकॉज कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स? नो नो, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करता है वो उसकी पहली रियलिटी, दूसरी रियलिटी ये है कि हाँ वो स्टेट को ट्रांसफर करता है, बट वो उसका मेन मोटिव नहीं है, वो उसका मेन पर्पज नहीं है, देयरफॉर वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। सेकंड स्टेटमेंट कि वो रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट इज नॉट द जस्टिफिकेशन। देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू करेक्ट, बट नॉट द स्टेटमेंट टू इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन। वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो विदाउट एनी डाउट द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए इनमें कुछ और चीजें देखते हैं। हाँ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन मार्केट की क्या सिचुएशन है? देखो, इनिशियली कार्बन मार्केट अपने आप में बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन रिसेंट पास्ट में द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं। अच्छा, आपको इसका जो पीपीटी ही मिल जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, कुछ भी लिखना उठना नहीं अभी। ओके सर। तो वो जो कार्बन मार्केट है उसके बारे में द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, और द इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसके कई सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स हैं जिसको दुनिया की सरकारें मानती हैं। ये कोई ऐसा छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है, इसकी मैगजीन भी आती है। तो हाँ, पुलित्जर अवार्ड विन करने वाला ये सबसे ज्यादा बार, एंड आई थिंक मोर देन 7 times इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है। तो ये बोलता है कि कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट विच आर दोज स्टैंडिंग फॉर स्मॉल गवर्नमेंट, और ये एक तरीके से टैक्स की तरह है। साथ में उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट कि कार्बन मार्केट्स फॉर द ईयर्स सॉर्ट ऑफ पफ हैव एट लास्ट बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट 2021 की थी, जिसके बारे में ये बात अपने आप में पुष्ट होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर जस्टिफाई हो जाता है विद सम प्रूफ। सर, जितने रिसोर्सेज दे रहे हैं सर, द इकोनॉमिक्स में पढ़ सर, ये इकोनॉमिक्स का भी न्यूज़पेपर वो पढ़ना पड़ेगा, तब तो पकड़ाएगा ये। आप लोग इतना परेशान नहीं होंगे, ये काम आपका नहीं है, ये काम है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एडवांस क्लासेस में वर्ल्ड के जितने, अगर आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे बेटे, तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, बहुत टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में भी, बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए हमारे पास R&D की टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जो कि मेजर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से मेजर आर्टिकल निकालते हैं और उसके हिसाब से हम क्लासेस डिजाइन करते हैं। इसीलिए हमने फंडामेंटल्स पहले पढ़ा दिए हैं, आप सभी ने फंडामेंटल्स पढ़ लिए होंगे मुझे ऐसी आशा है। जिसने नहीं पढ़ा वो मैक्रो इकोनॉमी की क्लासेस देख लो। हम लोग जल्दी से एडवांस क्लास शुरू करेंगे, एडवांस क्लासेस में सारी चीजें, प्री मेंस के क्वेश्चन, वैसे भी हम प्री के क्वेश्चन तो दिखाते चलते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन, और दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स में ऐसी महत्वपूर्ण समाचारें खबरें आती हैं, हम उनको आपके सामने लेके आएंगे, और उससे संबंधित केस स्टडी, उससे संबंधित ट्रिकी चीजें कि कौन कौन सी क्वेश्चन बनने वाले एरियाज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, उनके एनालिसिस, एनालिटिकल पार्ट, वो सारी चीजें हम लोग कराएंगे। हमें पता है आपने बड़ी बड़ी यात्रा है जिसमें आपके मेंटोर्स का सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग न्यूज़पेपर सिर्फ एक पढ़िए, और द हिंदू पढ़िए इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले अगर द हिंदू पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में आता है जो कि अच्छा न्यूज़पेपर है, उसको आप पढ़िए। नाम पे नहीं जाना है कि उसका नाम बिजनेस है, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में आता है, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो इस तरह से हम लोग आंसर 43 तक पहुंच चुके हैं। 44 में क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन। इसके हिंदी में स्टरलाइजेशन के साथ साथ बंदेकरण लगा है, जो कि बंदेकरण शब्द सही नहीं है। RBI ने खुद एक बार क्लैरिफाई किया है कि हाँ, स्टरलाइजेशन मतलब बंदेकरण नहीं होता है, वो स्टरलाइजेशन साइंस में होता है बंदेकरण, वो नसबंदी के टर्म में जो यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन और बंदेकरण, वो साइंस में होता है, इकोनॉमी में इसको स्टरलाइजेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पेपर वाले खुद ऐसी गलतियां करते हैं, आप लोग उसके बारे में बहुत परेशान नहीं होना।
स्टरलाइजेशन को सब लोग स्टरलाइजेशन ही याद करो। हमने मैक्रो इकोनॉमी की क्लास में डिस्कस किया था कि स्टरलाइजेशन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। देखो, जस्ट इमेजिन कि ये हमारा कंट्री इंडिया है एंड दिस इज यूएसए और कोई भी फॉरेन कंट्री, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री। तो अगर मान लीजिए इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो इंडिया को डॉलर मिलेंगे, क्या कहते हो, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, दूसरी एक और बात, ऐसे भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिसमें कि इंडिया को डॉलर मिलेंगे, जैसे रेमिटेंसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर इधर से रेमिटेंसेस इंडिया को जाए, रेमिटेंसेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो ऐसे कंडीशन में भी इंडिया को डॉलर मिलेंगे, क्या कहते हो? यस सर। अच्छा, जब आपकी कंट्री में डॉलर आ जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो देखो जो भी आपको डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं इवांका ट्रंप की एक कंपनी है जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कुछ डॉलर लेके आते हैं, लेकिन भारत में तो सिर्फ रुपया इन्वेस्ट हो सकता है ना, भारत का जो लीगल टेंडर है वो तो सिर्फ रुपया है। यस सर। ऐसी कंडीशन में ये जो ह्यूज चंक ऑफ डॉलर इंडिया में आ रहा है ना, इसके सामने आरबीआई को मनी प्रिंट करना पड़ता है, मनी प्रिंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अचानक रुपए की डिमांड बढ़ जाती है, अगर मनी प्रिंट नहीं करेंगे तो बाजार में रुपए की कमी हो सकती है। अब आरबीआई ने मनी प्रिंट कर दिया तो इंडिया की मार्केट में ये जो सरप्लस मनी आ गई ना, अधिक मनी आ गई। पहले मान लीजिए अगर एक्स अमाउंट ऑफ नोट्स थे, करेंसी थे, तो अब ये उससे ज्यादा हो गए, उसमें ये संख्या बढ़ गई, तो ये जो बढ़ा हुआ करेंसी है, ऐसी कंडीशन में आपकी कंट्री में जब भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो ये इन्फ्लेशनरी होता है। इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन करने वाला, ये मुद्रा स्फीति को बढ़ाता है, क्योंकि मार्केट में मनी बढ़ने का मतलब कि एंड ऑफ द डे वो किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में आएगा, चाहे वो बैंक के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से। बैंक के माध्यम से लोग लोन लेते हैं तब लोगों के पास पैसा आता है, कंपनी के माध्यम से कंपनी सैलरी देती है तो लोगों के पास पैसा आता है। तो किसी भी कंडीशन पे पैसा अंत में तो लोगों के हाथ में आएगा, लोग उसे खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि वो अतिरिक्त मनी है। बाजार में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, बाजार में रुपया बढ़ा है, तो ऐसे कंडीशन पे ये इन्फ्लेशनरी होगा, मतलब ये होगा इन्फ्लेशनरी। मतलब ये मुद्रा स्फीति जन्य होगा, मुद्रा स्फीति को बढ़ाएगा, ठीक है, ये मुद्रा स्फीति को बढ़ाएगा। तो इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई के पास एक मेथड था, रिवर्स रेपो रेट, जिसके माध्यम से वो बाजार का पैसा खींच लेते थे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट की अपनी एक लिमिटेशन है कि उससे कितना पैसा बैंक आरबीआई में रखेंगे, उससे बैंकों को कितना लाभ होता है। तो ऐसी कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई ने कई बार ऐसी कोशिश की है कि वो बाजार का पैसा खींच सके, स्क्वीज कर ले, ताकि बाजार में पैसा कुछ कम हो जो बढ़ गया है, जो महंगाई कर रहा है। इसलिए 1991 के बाद, 1991 के बाद आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट की जगह ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार संचालन, यस, ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाजार में बेच या खरीद सकते हैं। जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को बाजार में बेचती है तो सिक्योरिटीज जो हैं वो जनता और बैंकों के पास पहुंचती हैं और जो पैसा है वो आरबीआई के पास आता है। तो इस तरह से आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए बाजार में अतिरिक्त मुद्रा को फिर से स्क्वीज कर लेती है, मतलब खींच लेती है अपनी ओर। तो ऐसे में ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये फिर वापस आरबीआई के पास आ जाता है।
लेकिन सर इससे अब ये कब तक चला? 2004 तक। ऐसा कब तक चला? सन 2004 तक, 91 से 2004 तक। 2004 में मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इशू किया गया आरबीआई के द्वारा, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन की भी अपनी कुछ सीमाएं थी, वो काम बहुत प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पा रहा था, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड आया और इसके लिए आरबीआई ने मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड बनाया, ताकि जो ये बॉन्ड बेचने से जो पैसा आएगा उसको मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड में रखा जाएगा। तो अभी का जो लेटेस्ट एडिशन है इस सीरीज में, वो ना तो रिवर्स रेपो रेट है और ना ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वो क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। लेकिन आरबीआई ने चूंकि क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन तक ही पूछा है, एमएसएफ तक वो गए नहीं, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड तक नहीं गए, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड तक गए नहीं, इसलिए हो सकता है अगले साल पूछ ले, इसलिए आप लोग उसके लिए मेंटली तैयार रहो, ठीक है? ये सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टेबलाइजेशन के लिए इनमें से आरबीआई कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकती है। तो क्या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है? यस, मनी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो हमको सीधा आंसर ये मिल गया, लेकिन हम दूसरे आंसर और चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंफ्यूजन वाली बात आ जाए। तो चेक करते हैं, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, नहीं, स्टेबलाइजेशन का, ये स्टेबलाइजेशन यहाँ पे लिखा है ना, स्टेबलाइजेशन का पेमेंट एंड सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, पब्लिक फंड का जो मैनेजमेंट है उसका भी स्टेबलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक अलग कंपनी है जिसका ये मेन काम होता है। रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफआई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और एनबीएफसी के एक्ट में अलग अलग पावर है, इसका स्टेबलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात है, यानी कि खुला बाजार कार्रवाई का संचालन करना, इसके तहत हम लोग समझते हैं। आपका आंसर ए होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है? 44 का ए, 45, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। अभी कई तरह के मार्केट हैं, क्वेश्चन बेसिकली क्या है इसमें कि इनमें से कौन कौन सा इंक्लूड किया जा सकता है कैपिटल मार्केट में, है ना, कौन कौन सा इसमें इंक्लूड किया जा सकता है पूंजी बाजार में, ठीक है? तो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है, जिसमें कोई भी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जा सकती है, बशर्ते उसकी मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा की ना हो। एक साल से कम वाली मैच्योरिटीज का, मैच्योरिटी पीरियड वाली इंस्ट्रूमेंट्स का हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसे मनी मार्केट कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें हम किसी ऐसी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज्यादा हो, है ना, 1 ईयर से ज्यादा हो, उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। हमने जब मनी मार्केट वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल्स अपने आप में क्लासिक केस है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि ट्रेजरी बिल के जो मैच्योरिटी पीरियड होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 364 दिन हो सकते हैं। कितने? 364 दिन, ठीक है? तो ट्रेजरी बिल को आइडियली किस में जाना चाहिए? मनी मार्केट में, ना कि कैपिटल मार्केट में, ये बाहर हो गया। फिर कॉल मनी, तो कॉल मनी दो तरह की होती है, एक कॉल मनी, एक नोटिस मनी। कॉल मनी जो रातों रात के लिए होती है, एक दिन के लिए, इसमें कॉल मनी के तहत एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे सकते हैं, जबकि उनके पास अपनी सीआरआर रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कैश की जरूरत, तो इस काम के लिए कॉल मनी होता है। नोटिस मनी, उसी मनी को, उसी कॉल मनी को नोटिस मनी कहते हैं जबकि वो 14 दिनों के लिए हो,
तो बात एक दिन की हो या 14 दिन की, है तो वो एक साल से कम का ना मैच्योरिटी पीरियड, तो उसको भी हम कहां ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे मनी मार्केट में, तो ये भी बाहर हो गया। अब बचता है स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी सेकेंडरी याद करो, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट है जिसमें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सभी तरह की सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जा सकती है, चाहे वो एक साल से कम की हो चाहे एक साल से ज्यादा की हो। तो कैपिटल मार्केट में किन किन चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की जा सकती है। तो एक तो हमें मिल गया, अब दूसरी बात, ये हमारा सही हो गया। दूसरी बात, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक वो जो शॉर्ट टर्म होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से कम होता है, जैसे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये चार तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिनको कि हम मनी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। बाकी कम से कम 100 तरह के और बॉन्ड हैं, 100 से ज्यादा तरह के, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से लेके 40 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है। जिनका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए होता है उन्हें हम एलिफेंट बॉन्ड कहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल तक के बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड हाईवे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऐसे कामों के लिए होता है जिनमें हमें प्रॉफिट रियलाइजेशन कुछ समय बाद होगा, एटलीस्ट वो 5-10 साल हो सकता है। सड़कें बनने में सालों लग जाते हैं, फिर उससे प्रॉफिट जनरेशन लगने में और सालों लग जाते हैं, तो वैसे प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड गवर्नमेंट स्वयं इशू करती है। तो अगर उनका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा है तो उनकी ट्रेडिंग कहाँ की जा सकती है, बोलो, कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट 365 दिन के लिए होता है, उससे ज्यादा समय वाले के लिए पूंजी बाजार होता है, कैपिटल। देयरफॉर ये भी सही है, बिकॉज यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना किनको, इनमें से किन किन को कैपिटल मार्केट में इंक्लूड किया जा सकता है। अब अगर पहले की तरह होता तो आपको दो गलत स्टेटमेंट मिल जाए तो एलिमिनेट हो जाता है। पहले ऐसे आते थे ना क्वेश्चन, 1, 2 and 3 correct, 2 and ऐसे पहले आते थे ना, अब तो वो है नहीं, अब आप ऐसे काट के एलिमिनेट कर नहीं सकते। यस सर, एलिमिनेशन मेथड अब इस पे काम नहीं करेगा, अब जो है आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए तभी काम हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको सारे स्टेटमेंट नहीं पता तो काम नहीं हो पाएगा। अब आपको ये पता है ये गलत है, ठीक है, मतलब कितने कथन सही है, 2 कथन सही है बस, तो ओनली 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि बी इसका जो है ऑप्शन सही है, केवल 2 कथन सही है, ठीक है। तो अच्छा, इन चीजों को नोट करो आप लोग कि पहले की तरह आप एलिमिनेशन मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, तो वैसे कंडीशन पे आपके लिए आवश्यक है कि अब आपको मैटर पूरी डेप्थ में पता हो, और इसकी वजह से इस बात के चांसेस हैं कि मेरिट कम जाएगी। कितनी कम जाएगी इस बारे में हम चर्चा करेंगे सेशन के बाद। पता है इस बारी जो कट ऑफ है ना वो काट जाएगा। हाँ जी, मतलब 200 पहले 90 वाला पास होता था सीएस पेपर इच, इस बारी टफ है एग्जाम, अगर कट ऑफ काट गया तो अच्छा ही होएगा, मैं पास हो जाऊंगी। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सही है। यस, 45-26 सही है। कॉल मनी, टी बिल्स, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन अ ईयर होता है वो कैपिटल मार्केट में डील किया जाता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होते हैं जिनको हम कैपिटल मार्केट के तौर पर डील करते हैं। शांत लोग, सभी लोग शांत हो जाओ, बातें नहीं करेंगे अभी। हाँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट
क्या है, कहाँ किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर उसको आगे बात करेंगे। आते हैं, जैसे मान लो किसी गांव में ऐसे छोटे छोटे फार्म्स हैं, लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, ऐसे ए बी सी ये अलग अलग लोग हैं। तो ऐसे छोटे छोटे किसान उड़ीसा में थे जिनमें 55 महिलाएं थी और कुछ पुरुष थे, सब मिला के 112 लोग थे, जिन लोगों ने फैसला किया कि अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर कोई एक क्रॉप करेंगे और अपने अपने जमीन के शेयर के बराबर के प्रतिशत में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल फार्मर्स का फील्ड बड़ा हो गया ना, अब ये स्मॉल फार्मर्स का जो खेत है इतना बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब ये किसी कंडीशन के तहत किसी क्रॉप की क्रॉपिंग करेंगे और इनकी जो बार्गेनिंग पावर होगी वो बाजार में ज्यादा होगी, क्योंकि अब इनके पास बड़ा खेत है, ये सब बड़े खेत के शेयर होल्डर्स हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इनकी मार्केट में से ज्यादा होगी, से कहने का मतलब इनके मार्केट में ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहले जरूरी था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कहां से आया, उड़ीसा में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि रिसेंटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार, ऐसा कुछ नहीं है। टू मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, हमारी परिभाषा के हिसाब से तो बहुत करीब है, तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। ये हमारे लिए कंसिडरेबल है, ये नहीं है। सी मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड, नो वो अपनी जमीन सरेंडर नहीं करते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। फॉर्म्स लॉ में भी ऐसा कोई कानून नहीं था जिनको रिपील कर दिया गया है कि अपने लैंड सरेंडर करना पड़े, ठीक है। डी अ कंपनी एक्सटेंड लोन्स टू टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट टू नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतने लोन वोन ऐसा नहीं, लोन ले सकते हैं लेकिन वो अलग से रूल नहीं है, यहाँ पे उसके लिए अलग से स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड जैसा रूल नहीं है, ठीक है। तो आइडियली हमारे पास जो स्टेटमेंट बचा ये सब बाहर हो गए, वो बचा बी, ठीक है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आप लोग डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमको कॉल करके पूछ लेगा। ये इसका एविडेंस है, दिस मॉडल इज पार्टिसिपेटरी एंड फ्लेक्सिबल एंड अलाउज स्मॉल फार्मर्स टू बेनिफिट फ्रॉम अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइजिंग एंड हार्मोनाइजिंग सेलेक्ट ऑपरेशन, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां से लिया गया था, ठीक है। स्प्रिंजर पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सर ये करंट से रिलेटेड है, इसका लेवल चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करंट से संबंधित है। देखो करंट अफेयर्स एक तो जो न्यूज़पेपर पे होते हैं वो चीजें होते हैं, कुछ चीजें मैगजीन्स में और स्पेशल ऑथराइजेशन वाली बुक्स में आते हैं, वो नए रिसर्च होते हैं। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे रिसर्च पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, आप लोग अपने से नहीं पहुंच पाओगे ऐसे रिसोर्सेज पे, ठीक है। आप इसलिए बहुत परेशान नहीं हो, हमने आपसे बोला है कि हम लोग हमारी जो टीम है R&D की वो ऐसे रिसर्च करती है और वो ऐसे डेटा आपके सामने लेके आते हैं। तो करंट में है या नहीं है इसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, करंट में एग्जैक्टली कहेंगे तो नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर खोज के लाएंगे तो मिल जाएगा, तो आपको अगर न्यूज पता है तो आप उसे खोज सकते हैं, अगर न्यूज ही नहीं पता तो खोजेंगे कैसे। इसलिए हमने बोला कि उसके लिए R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वो आपका काम नहीं है।
ठीक है, वो काम इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट ये सर्विस आपको देगी। जैसे कि हम आईएएस दरबार में इस तरह की चीजें करते हैं कि आरएनडी के माध्यम से नए नए जो डेवलपमेंट होते हैं इकोनॉमी के फील्ड में, वहां पे डेटा और कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया जाता है। ठीक है, आप लोग बस एक न्यूज़पेपर पे अपने आप को रिलाय करो बस। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बी था? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। पहले तो इसके पहले जो 46 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर बी था। फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग आ गए हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। नाइजर सीड्स क्या होते हैं? नाइजर सीड होता है काला वाला तिल। आप सबने काले तिल का लड्डू खाया होगा जो ब्राउन वाले तिल के साथ मिला के बनते हैं। नहीं, बाजार में तो हर जगह मिल जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी रहते हो ये काले वाले तिल हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ सर। और इस काले वाले तिल का मेन काम क्या होता है? इसका ऑयल निकलता है, तिल का तेल। आप लोग जानते हो, तिल का तेल काफी गर्म होता है, सर्दियों में काफी अच्छा होता है। सर, काले वाला तेल किस चीज का बनता है? काला वाला तिल एक फसल होती है जिससे तेल निकलता है। हेलो सर। हाँ बेटे। सर, व्हाइट वाले सरसों होता है जी हमारे यहाँ। सर, उसका छिलका उतार देने पे वो सफेद हो जाता है ना वो तिल। सरसों अलग है, काला तिल अलग है। काला तिल काला ही रहता है, चाहे उसका छिलका निकालो चाहे ना निकालो। जी सर जी, तो सफेद तिल होता है। हम सरसों की बात नहीं कर रहे हैं, नाइजर सीड्स काला वाला तिल होता है, तिल। ठीक है जी सर। सरसों अलग चीज होते हैं। चलिए, ये लोग ये चीज आप लोग गूगल करके देख लेना। और जो किसान परिवार किस चीज का बनता है काला वाला तिल? बेटे खेत में होता है, खेत में ये बनता नहीं है, खेत में लगा है मेरे। किस फसल से निकलता है सर? पूजा में भी लिए जाते हैं, पूजा में उपयोग होता है। ये पूजा में उपयोग होता है, बिल्कुल सही। और एक जगह उपयोग होता है, सबने देखा होगा, सुना होगा, जब किसी संस्कार हिंदू रीति रिवाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो जल दिया जाता है तो उसमें काला वाला तिल यूज होता है। जो बोलते हैं जो, नहीं वो जो अलग होता है, तुम कंफ्यूज नहीं हो, सब लोग गूगल में देख लेना जिसको पास। दीप भी जलता है नहीं सर, जौ का भी प्रयोग होता है, सब जानते बस बस अभी शांत हो जाओ, नहीं फिर म्यूट कर देंगे। ठीक है, आइए। तो ये नाइजर की सीट में क्या एमएसपी दी जाती है? आंसर है हाँ, एमएसपी के तहत जो फसलें हैं, करीब 23 फसलें हैं इसमें, तो उसमें नाइजर का सीट आता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। दूसरा, नाइजर इज कल्टीवेटेड एज खरीफ क्रॉप्स। देखो, भारत में 2.6 लाख हेक्टेयर में नाइजर खरीफ क्रॉप के तौर पर उगाई जाती है। और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, जहां के ये रबी में भी इसका उत्पादन किया जाता है, बट ये अपने आप में लार्जली एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन की फसल। तो इस तरह से कथन नंबर 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। तो कुछ जनजाति के लोग हैं जो नाइजर सीड का तेल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स जी सर। तो अब इसमें कितने कथन सही हो गए? तो 3 कथन सही हो गए। तो 3 कथन कहां पे हैं? यहां पे सी। हां, सी जो है इसका सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन है सी। अब देखो, इसमें अगर आपको तीनों बातें नहीं पता ना तो गलत हो जाएगा। अगर आपको केवल 2 बातें पता होती, तीसरा नहीं, तो आप कंफ्यूज रहते कि 2 करेक्ट होगा कि 3 करेक्ट होगा। इसलिए अब जो मेथड यूपीएससी ने अडॉप्ट किया, इसमें एलिमिनेशन ज्यादा काम नहीं करता है। अब आपको पूरे के पूरे स्टेटमेंट सही से पता होने चाहिए। जी सर। सर, पर थर्ड वाला ऑटोमेटिकली डिराइव हो सकता था सर, क्योंकि उसकी ऑर्डर बुकिंग होती है। हाँ बोलो। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट कॉमन सेंस से भी हम लोग सही कर सकते थे ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि थर्ड, देखो कॉमन सेंस में आप थर्ड वाला यूज कर सकते हो कि हाँ, तेल तो किसी भी चीज का निकल सकता है, ये बात आपकी सही है, कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो। एमएसपी वाला भी बच्चों कठिन नहीं है कि इसमें एमएसपी है कि नहीं है ना। हम लोग एडवांस क्लासेस में सारी क्रॉप दिखाएंगे जिसपे एमएसपी है। और दूसरी बात कि नाइजर के बारे में जो है कि ये खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है, ये भी अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई भी तेल जानते हो कि तिल की खेती होती कब है, अगर आप ब्राउन वाला भी तिल जानते हो तो वो भी खरीफ में होता है।
तो अगर आप ये दोनों में से कुछ भी जानते हो तो काम हो जाता है। राजस्थान वालों को तो गलत ही नहीं होना चाहिए, हम में से जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से है, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़े पैमाने पे तेल की खेती होती है। सर आप इसको ना एडवांस हेलो सर बताइएगा ताकि एग्जाम में 2024 में हम लोग 3-4 बार 10 बार सारे क्वेश्चन हम लेंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं एडवांस क्लासेस में, हम सारे क्वेश्चन। अच्छा आप मैं बोल रही हूँ सर मैं बोल रही हूँ एडवांस क्लासेस आप जल्दी स्टार्ट कीजिएगा ताकि हम लोग 2024 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। हाँ मैं अजय सर से बात करूंगा एज सून एज पॉसिबल, हम लोग ये एडवांस क्लासेस। सर एमएसपी समझा दीजिए ना, एमएसपी क्या होता है? बेटे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइस सपोर्ट करने के लिए वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को देती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसी को एमएसपी कहते हैं, एमएसपी। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी क्रॉपिंग सीजन के पहले अनाउंस करती है, रबी के पहले भी खरीफ के पहले भी। ठीक है आइए और चलते हैं, समझते हैं। हाँ डाउन टू अर्थ में ये नाइजर ऑयल शीट्स के बारे में जिक्र आया था, कुछ एडिशनल फैक्ट मैंने और दे दिए हैं साथ में। ये फिस्कल ईयर 2023 के हिसाब से डेटा है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग नाइजर शीट्स देख लेना। सर हिंदी में नहीं होगा पीडीएफ? ये हिंदी इंग्लिश दोनों है बेटे। हाँ डिस्क्रिप्शन केवल इंग्लिश में है, बहुत ईजी है, और वैसे भी आप लोग को इंग्लिश से थोड़ी थोड़ी आनी पड़ेगी ना, सीसेट के पेपर तो देखना होगा। सही है सीसेट का पेपर देख लिया है ना? जी सर बुला दिया। सीसेट का पेपर इस हिसाब से सर अभी नहीं देख, सीसेट का पेपर इस हिसाब से सेट किया गया था कि जो एग्जामिनेशन पैनल था लग रहा है वो कुछ सोच के आए थे कि आज कुछ तूफानी करते हैं। जी सर वो सही लग रहा है। सीसेट का पेपर इतना तूफानी आ गया कि पिछले साल करीब 20% बच्चे ऐसे थे जो जीएस 1 का पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, सीसेट में डिस्क्वालिफाई आ गए। ठीक है हम लोग उसके बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे स्ट्रेटजिक डिस्कशन में, वो फेल हो गए। अब की बार जी संख्या 30% तक जा सकती है और बढ़ेगी, क्योंकि पेपर का जो सीसेट का लेवल है वो और ऊपर हो गया और टफ है। चलिए अब बच्चों के लिए 67 मार्क्स लाने कठिन हो गए हैं, आप लोग सीसेट की तैयारी करते रहिएगा, हम लोग सीसेट पे एक स्ट्रेटजिक डिस्कशन करेंगे जल्द ही, बहुत वेट नहीं करेंगे, सो दैट कि आप लोग सीसेट की तैयारी करते रहो। चलिए आइए देखते हैं। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स, यहाँ पे कुछ एसेट्स के नाम दिए हैं, कुछ संपत्तियों के नाम दिए हैं, और वो कहता है कि इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल इन दो दृष्टि से आपको ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है, इनमें से कौन कौन सी परिसंपत्तियां इनटेंजिबल हैं। अगर आप ये बात जानते हो तो बात ठीक है। अब ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है, समझ का क्वेश्चन, इसमें कुछ याद करना है जी नहीं, आपको जनरली ये समझ होना चाहिए कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को ये बताया है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, इसमें डिफरेंस कैसे करते हैं, और अगर आप क्लास 6 वाला दिमाग भी लगाओगे ना, जब आप नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हो कि नाउन 5 प्रकार का होता है, उसमें जो पांचवें टाइप का नाउन है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं वो इंटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल का मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते। जैसे किसी मॉल में ढेर सारा सामान रखा रहता है, आप उसे टच कर सकते हैं तो वो टेंजिबल है। आप अपने घर में कुछ सामान पड़ा हुआ देखते हैं वो सब टेंजिबल है। किसी फैक्ट्री में कुछ कच्चा सामान पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, वो सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है? जिसे आप महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर डांस आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में किसको देखते हैं? आप एक्चुअल में तो सिर्फ नोरा फतेही को देखते हैं, वो एक इंसान है। डांस तो आपको महसूस करना होता है, उसने हाथ इधर उधर किए, पैर इधर उधर किए, तो आप उसे डांस कहते हैं, है ना? तो वो अपने आप में क्या है? डांस आप महसूस करते हैं। उसी तरह ब्रांडिंग क्या होती है? पहला आपके पास है ना ब्रांड रिकॉग्निशन। जैसे कहते हैं कि पेप्सी एक ब्रांड है, आप कांच की बोतल देखते हैं उसके अंदर कोई द्रव देखते हैं काले कलर का, ठीक है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग आप सिर्फ महसूस करते हैं कि इसका प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहा है। तो ब्रांडिंग को सिर्फ आप महसूस करते हैं, ब्रांडिंग आप टच नहीं कर सकते। टच आप प्रोडक्ट को कर सकते हैं,
ठीक है। तो ब्रांडिंग अपने आप में इंटेंजिबल नेचर का है, आंसर है हाँ, यस। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब बात आती है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री होती क्या है ये पता होना चाहिए। इन्वेंट्री कोई भी फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल हो सकते हैं जो किसी मॉल में रखे रहते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स हैं। जो किसी फैक्ट्री की पाइपलाइन में है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। और या रॉ मटेरियल कुछ है, तो ये सारी की सारी इन्वेंट्री की परिभाषा में आते हैं। तो क्या इन्वेंट्री को आप टच कर सकते हैं, आंसर है हाँ। तो क्या ये सही होगा, आंसर है नहीं, तो ये बाहर हो गए। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। जैसे डांस अपने आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये खुद भी है, डांस अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन आप डांस को जो है फील कर सकते हो। जैसे मान लो फिल्म होती है, मूवी, तो जो मूवी होती है उसमें आप कंटेंट को देख के रियलाइज कर सकते हो। एक्चुअल में आप किसे देखते हो, एक्चुअल में एक व्यक्ति को देखते हो शाहरुख खान, दूसरे व्यक्ति को देखते हो करीना कपूर, हाँ तुम्हारी जनरेशन में अनन्या पांडे, ठीक है। तो आप ना पर्सन को देख रहे हो, लेकिन मूवी को आप महसूस करते हो। उसी तरह और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने बहुत अच्छी एक डिश तैयार करी जिसका नाम है रसगुल्ला। बंगाल उड़ीसा यूपी वाले लड़ेंगे नहीं कि ये हमारा है, बंगाल वालों को क्लेम मिल चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम रसगुल्ला की बात करते हैं, तो आप एक्चुअल में खा तो एक प्रोडक्ट रहे हो, उसका जो टेस्ट है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है। जो पेटेंट या कॉपीराइट किसी प्रोडक्ट का, कॉपीराइट रिटन आर्टिकल पर, मूवी, गाने, इन सब पे मिलता है। पेटेंट दवाई पे, खाने की चीजों में मिलता है। तो ट्रेडमार्क उसी तरह फैक्ट्री के साइन और लोगो पे मिलता है। ये सारी चीजें हम लोग एडवांस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अपने आप में आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ इस बात में, या कितना बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये इस बात का जो कॉपीराइट है वो मेरे पास हो सकता है। इसे कोई और कॉपी करके कहीं जनरेट नहीं कर सकता। जैसे मेरे लेक्चर को कोई और रिकॉर्ड करके कहीं सुना के पैसे नहीं कमा सकता। इस पर कॉपीराइट किसका होगा, आईएस दरबार का और मेरा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक व्यक्ति को देखते हो, यानी कि आप मुझे देखते हो, मेरी आवाज सुनते हो, लेकिन जो पढ़ाने की स्किल है वो अच्छी या बुरी है, अगर उसकी मार्केट डिमांड है तो आप उसे बेचकर पैसा नहीं कमा सकते। वो राइट सिर्फ आईएस दरबार के पास। ऐसी कंडीशन में ये जो मेरा कंटेंट है ना, ये मेरा कॉपीराइट, तो आप इसे महसूस कर सकते हो। तो ये अपने आप में टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल ये व्यक्ति है, टेंजिबल ये पीछे का बोर्ड है, टेंजिबल ये कंप्यूटर है जिन्हें आप टच कर सकते हो। स्किल को नहीं टच कर सकते, स्किल को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो अपने सेंसेस के द्वारा। तो इस तरह से ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होगा। फिर आता है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। ये आप जीमेल और तमाम तरीके के मेल जो देखते हैं, ये सारी चीजें इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती हैं। आप कंप्यूटर को टच कर सकते हो, मेलिंग लिस्ट को नहीं। अगर हम ये कहें कागज में लिखा है तो आप पेपर को टच कर सकते हो, उसका जो डेटा है वो कॉपीराइट है बेसिकली, और वो इंटेलेक्चुअल नेचर का है। तो इन दैट कंडीशन वो अपने आप में इनटेंजिबल होगा। तो ये कथन भी सही है। तो इस तरह से आपके पास कितने सही स्टेटमेंट हो गए, 1, 3 और 4, मतलब टोटल कितने हो गए, 3। तो यहां तक ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं इसको आगे बढ़ाते। अच्छा, इसमें कुछ निशान छोटे छोटे पहले से लगे हैं, वो जिनसे पेपर हमने लिया है वो उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में अटेंड किए हैं, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। इसलिए आप उन साइंस को इग्नोर करना है केवल। जो आंसर हमने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखा है, ये जो दिखाई दे रहा है 48 का सी, इसी को फॉलो करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिर से। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन टैक्स डेवोल्यूशन के लिए कुछ पॉलिसी फॉलो करती है, उसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यह है 15th फाइनेंस कमीशन, 2021 में आया था, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन ये रेकमेंड करता है कि जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेशन
मनी है जो केंद्र के पास टैक्स से आया हुआ पैसा है, सेंट्रल पूल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। तो सेंटर से पैसा किसको देना है, स्टेट्स को, तो इसे हम वर्टिकल वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। इसमें किस स्टेट को पैसा किस तरह से देना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कथरिया देखिए, वो होता है हॉरिजॉन्टल डिस, हाँ, स्टेट को किस प्रकार से पैसा देना है वो होता है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया 15th फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किए हैं, जिसमें कि टैक्स एफर्ट है, ये 15th फाइनेंस कमीशन का ग्राफ, इसे देखना ध्यान से, टैक्स एफर्ट है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, इनकम डिस्टेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एरिया है, पॉपुलेशन है। इतने क्राइटेरिया के आधार पर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ फंड किया जाता है यूनियन पूल से स्टेट को, राज्यों को, मतलब केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को, बिहार को, बंगाल राज्य को, असम राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य को, राजस्थान राज्य को, हरियाणा राज्य को या पंजाब राज्य को कितना पैसा देगी, उसके लिए हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसमें क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, टैक्स एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एरिया एंड पॉपुलेशन। ये 15th फाइनेंस कमीशन का डायग्राम है। अब इसके आधार पर जब आप यहाँ पे चीजों को चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि इस मैकेनिज्म में कहीं भी गवर्नमेंट रिफॉर्म की बात नहीं की गई, स्टेबल गवर्नमेंट की बात नहीं की गई, तो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट की बात की गई, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात की गई, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात की गई, तो कितने स्टेटमेंट सही मिलते हैं, 3। वो कहां पे हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इसकी बात की गई है। तो इस तरह से हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए और चेक करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में है। अभी रिसेंट में ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करी है। अब उसमें एक बहुत डीप क्वेश्चन दिया है। यूएन की जो एक रिपोर्ट है, यूएन की एक बॉडी है, उसकी एक रिपोर्ट है, ये उससे रिलेटेड है, और इसका नाम क्या है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड इनोवेशन, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा एंड इनोवेशन, S3I, यहां पे लिखा है S3I। नॉर्मली ज्यादातर देखिए, ईमानदारी की बात करें तो ना तो हमको ये पता था, ना हमने कहीं पढ़ाया, ना किसी बच्चे को ही पता था, जितने बच्चों से अभी तक हमने बात करी कि पढ़ाया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें हम लोग। देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने हर चीज पढ़ाई है, जो चीज हमने नहीं पढ़ाई उसको हम क्लेम नहीं ले सकते। अब ये टॉपिक यूपीएससी ने कहीं किसी रिपोर्ट से डीपली आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और ये S3I रिपोर्ट ये यूएन की, और वहां से उन्होंने डेटा फाइंड आउट किया और उससे क्वेश्चन पूछा। क्या ये क्वेश्चन ट्रिकी है? इन दैट केस यस, आप इसमें तुक्केबाजी नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग लगाने का एक स्कोप है। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल पता हैं, तो आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज कनेक्ट द डॉट्स, इसे हम बोलते हैं डॉट्स कनेक्शन। तो कनेक्टिंग द डॉट्स सजेस्ट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड इनोवेशन। तो सस्टेनेबल वर्ड से और यूएन से आप ये लिंक कर सकते हो कि ये UNSDG के लिए होगा। यस, ये UNSDGs को सपोर्ट करने के लिए है। 17 गोल कौन से हैं यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो हम एक देखते हैं, क्या हाउसिंग है? हाँ, हाउसिंग है उसमें SDGs में, सर। तो ये तो होगा। अब दूसरा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है? आंसर नहीं, SDGs में मास ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की गई, बाहर, इसे बाहर करो, इसे बाहर करो, ये सही है। हेल्थ केयर की बात है? हाँ, गोल नंबर 3 या 4 हेल्थ की बात करता है, पॉवर्टी हेल्थ गोल नंबर 2 है हेल्थ, ठीक है, फिर तो ये सही हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात है? यस सर, है,
क्योंकि सस्टेनेबल गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंज की बात करता है, उसी के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात है। तो अगर आप उस तरह से कनेक्ट करोगे तो आप 1, 3, 4 यानी कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? 3, 3 only 3 सर। ठीक है, पहुंच गए ना। इस तरह से करोगे तो कर ले जाओगे, लेकिन ये समझो कि आप अगर देखो, टीचरों का ईमानदार होना जरूरी है और बच्चों को सच स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोग चाहे जितना आरएनडी करें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं फंसा सकते। ये मतलब मैं तो एक्नॉलेज करता हूं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, वो बात इकोनॉमी में भी सत्य है कि हम लोग चाहे जितनी मेहनत करें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर साल जो कि हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर जाते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ही होती है कि हम हर बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा सकें, वो टॉपिक कवर कर। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें हमने इस S3I रिपोर्ट के बारे में नहीं जिक्र किया, लेकिन आप इसको SDG वाला जो हमारा चैप्टर जिन भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो पहले के बच्चे हैं उनको केवल पता होगा, जो SDG वाले टॉपिक हैं उसमें से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहां से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अन्यथा UPSC में आप कभी भी 100 के 100 क्वेश्चन चाहे जितने भी स्टडी कर लो नहीं फंसा पाओगे, और उस तरह कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना आपने पढ़ा हो उसको इतना सही तरीके से, सॉलिड तरीके से पढ़ा हो कि अगर वहां से एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपका गलत ना हो। वैसे भी आजकल मेरिट कौन सा 150 नंबर जाते हैं, तो आजकल किसी को हनुमान बनने की जरूरत नहीं है, हम में से किसी को समंदर नहीं पार करना, सिर्फ छोटे छोटे नाले पार करने हैं, मतलब केवल 90-100 नंबर अगर किसी का आ रहा है तो उसका उसकी कहानी सेट हो जाएगी, है ना, आउट ऑफ 200। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो जो रिपोर्ट जिसके बारे में हमने जिक्र किया, ये उसका लिंक है और ये उसकी लाइनें हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि S3I इनिशिएटिव विल फोकस ऑन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन 3 सेक्टर्स। क्लियरली लिखा है 3 सेक्टर्स, और वो 3 सेक्टर कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हेल्थ। क्लियर, ये बात हमको पता है। जी सर, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मास ट्रांसपोर्ट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। बीच में दूसरे विषय हैं तो हम 50 से सीधे 66 में आएंगे। आइए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। देखो, अगर ये कहा जाए कि स्विट्जरलैंड टॉप एक्सपोर्ट है तो हम ये कहते हैं कि डेटा पता होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि टॉप एक्सपोर्टर है कि नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर, वन ऑफ द लीडिंग पहली रैंक भी हो सकती है, दूसरी रैंक भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, जो अच्छी अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है उसे हम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर कह सकते हैं। वन ऑफ द मतलब कई लोग जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं गोल्ड का, उनमें है स्विट्जरलैंड, है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के दौरान थोड़े बहुत डिस्कस करे थे, बट नॉट इन दिस, यहाँ पे नहीं। हाँ, लेकिन ये टॉपिक कवर था हमारे PPTs में। अब दूसरी बात, स्विट्जरलैंड हैज सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखता है। क्या सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व रखता है? हमने इसमें बताया था पीछे कि USA दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होल्डर है सिंस 2021। देखो, ये कंट्री की रैंकिंग बदलती है। एक बच्चे ने हमसे पूछा, सर धरती में जमा हुआ अगर कोई रिसोर्स है तो उसकी मात्रा इतनी जल्दी तो नहीं घटती बढ़ती कि किसी कंट्री की रैंक बदल जाए? बात तो सही है ना? हाँ सर। लेकिन ये रैंक इसलिए बदलती है कि किस कंट्री के नीचे धरती में कितना रिसोर्स दबा हुआ है या हमें पता नहीं होता। तो हमें जो पता होता है हम सिर्फ उस रिसोर्स के आधार पर रैंकिंग सेट करते हैं। तो व्हाट एवर नोन रिजर्व अवेलेबल टू द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, USA लीड्स नंबर 1, जर्मनी 2, नंबर 2 एंड इटाली नंबर 3। जो इटली है जिसे आप हिंदी में बोलते हो, तो USA नंबर 1 पे है, जर्मनी नंबर 2 पे है, इटली नंबर 3 पे है। तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट वाली बात गलत हो गई कि स्विट्जरलैंड के पास सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। अब अगर उत्तर निकालना हो तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ये हमें कहां पता चलेगा? सिर्फ इसमें,
स्टेटमेंट नंबर डी में लिखा है कि सेकंड नंबर, सॉरी स्टेटमेंट नंबर सी में लिखा है, सी में, कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और कहीं नहीं है। इसमें दोनों सही, इसमें दोनों सही, इसमें सेकंड गलत, इसमें फर्स्ट गलत, ऐसा लिखा है। तो आंसर तो हम केवल इतने से पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगर हमको नहीं भी पता तो, लेकिन चूंकि आपको एग्जाम अगले साल भी देना है, इसलिए डेटा आपको सही से पता होना चाहिए, तो हम डेटा चेक करेंगे। यहां पे लिखा है कि इन 2021 द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड वर, नंबर एक पे स्विट्जरलैंड, नंबर दो पे एमिरेट, नंबर तीन पे यूके, नंबर चार पे यूएस। एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट के मामले में स्विट्जरलैंड इज लीडिंग कंट्री। रिजर्व के मामले में यूएस टॉप पे है, जर्मनी नंबर टू पे है, इटली नंबर थ्री पे है, ठीक है। और ये सारी के सारी बहुत ही रेपुटेटेड और वेल रिकॉग्नाइज्ड रिसोर्स सोर्सेस से डेटा लिया गया है, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। तो आप आंसर तक पहुंच गए ना सभी लोग, क्या आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सर जी, स्टेटमेंट वन क्या कहता है कि इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नो, ऐसा हमारा लक्ष्य है 2024 के लिए कि इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज मतलब एक्सपोर्ट इन गुड्स, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले माइक्रो इकोनॉमी के चैप्टर में इस बात की चर्चा की थी कि एक्सपोर्ट को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है या ट्रेड को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कहते हैं। गुड्स में इंडिया का 2024 का लक्ष्य है 3.2%, अभी कितना है 1.8%, अभी कितना है 1.8%, और ये जो 3.2% लिखा है ये 2024 के लिए लक्ष्य है, ठीक है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट गलत कहां है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। आप अगर सिर्फ इतने से आंसर पाना चाहते हो तो आप इतने से आंसर पा जाओगे। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने दूसरा तो पढ़ा ही नहीं, आंसर आ गया वो एक अलग बात है। चलिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये पेपर उतना कठिन नहीं है जितना बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है और टफ है, इससे इस सच से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाकी प्रैक्टिस पे चीजें डिपेंड करेंगे, है ना, तैयारी पे डिपेंड करेंगे, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना बच्चे बोल रहे हैं। इसलिए आप जो है आज YouTube में जो नॉइज फैला रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पेपर मॉडरेट लेवल से थोड़ा टफ कह सकते हैं बस। इसमें 20-25 क्वेश्चन पूरे पेपर में है जो टफ है, 50-55 क्वेश्चन करीब है जो मॉडरेट है, और 30-35 क्वेश्चन करीब ऐसे हैं जो मॉडरेट टू इजी हैं, ठीक है। इसीलिए इसका कट ऑफ जो है कितना जाएगा उस बारे में हम थोड़ा लॉजिकल अभी डिस्कशन करेंगे इस सेशन के बाद। आइए देखते हैं। तो मतलब आंसर तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर डी होना चाहिए। जरा सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं कि मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये सर्वे वाले चैप्टर में हम लोगों ने कई बच्चों को पढ़ाया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। बाद में धीरे धीरे इसे 14 सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया था। इस समय करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब तक का डेटा मेरे पास है, करीब 14 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दी जाती है। तो जो कंपनी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन करती है उसमें जो है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट प्रोडक्शन के सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी देती है जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं, और प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। किनके लिए है? तो ऐसे उन कंपनियों के लिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
तो निश्चित है भारतीय कंपनियों को दिया ही जाएगा, क्योंकि भारतीय कोई भी कंपनी अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहती है तो इसमें पहले अब दो बातें लिखी हुई है, दोनों को हम चेक कर लेते हैं। देखो लिखा है, एक मिनट अभी आपसे बात किया जाएगा कि मैनी लोकल कंपनीज, हाँ लोकल कंपनी की बात सही है कि लोकल कंपनीज ने एंड सम फॉरेन कंपनीज, तो अगर आपको यह पता है कि विदेशी कंपनियां भी जो भारत में उत्पादन कर रही हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत वो फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, यस आधा घंटा, तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम जब चेक करेंगे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का फॉरेन कंपनियां फायदा उठाते कि नहीं, तो जब आपको पता है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है तो गवर्नमेंट इस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं करती है कि कौन सी फॉरेन कंपनियां हैं कौन सी लोकल कंपनियां, क्यों, भारत में एक चौथाई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कोई ना कोई फॉरेन शेयर है, जैसे फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का शेयर है, पेटीएम में अलीबाबा का शेयर है, और इस तरह बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में जिनमें अमेजन का और विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट हैं। तो अगर इस तरह सोचोगे तो भी आप समझ लोगे, नहीं तो ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी भी जो भारत में प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो वैसी कंडीशन पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, आंसर तक हम पहले पहुंच चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डी, पहला स्टेटमेंट गलत है। हेलो सर। हाँ जी आप बोलिए। सर बोल रहे हैं कि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। आई डोंट नो, वो आप मैडम से पूछ लो उधर। सर इसका आंसर क्या हुआ था सर? पीआईबी के हिसाब से आंसर डी होगा ना, आंसर तो हम पहले पहुंच चुके थे, पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर सी लिखा हुआ है 68 का, ऊपर देखिए ना। एक मिनट, पहला स्टेटमेंट इसका आपने तो कहा कि करेक्ट होगा ऊपर वाला फर्स्ट, ये पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा इसका सही है, तो आंसर इसका डी होगा, इसको डी कर लो, ये वन इसको डी कर लेना, ठीक है, ये आंसर डी है। ओके सर, ये डी कर लेना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है क्योंकि अभी हमारा जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो कितना है, 1.4 हमारा लक्ष्य है 2024 के लिए, yes, इसको डी कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलिए और बात करते हैं। हाँ यहाँ पे पीआईबी की रिपोर्ट कहती है कि बेनिफिट ऑफ मेजर ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आईटी एंड हार्डवेयर प्रोडक्ट, किसका, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का, तो ग्लोबल कंपनियां इसका एडवांटेज लेती हैं, पीआईबी ने कंफर्म किया था, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग मीडियम एंटरप्राइज कौन सा है जिसका इन्वेस्टमेंट, देखो पहले तो 10 करोड़ था अब 20 करोड़ है, तो क्या 15 से 25 करोड़ वाले को आप मीडियम एंटरप्राइज बोलोगे? नो सर, नो, क्योंकि 20 करोड़ इज अपर लिमिट, 20 करोड़ तक ही हो सकता है, तो 20 यहां तो 25 लिखा है ना, तो 25 वाला बाहर हो जाएगा, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऑल द बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमने ये बात बताया था कि एमएसएमईज को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन लेने का फायदा मिलता है। इसमें कई टीचर्स से हमने कल बात करी रात में, तो शाम को, तो उन लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने इसको करेक्ट माना, कुछ ने इनकरेक्ट माना। जो करेक्ट मानते हैं उनका कहना यह है कि आरबीआई की वेबसाइट में मेंशन है कि ऑल बैंक लोन अंडर एमएसएमई, तो हमने उनको इस बारे में क्लैरिफाई भी किया कि यस ऑल बैंक लोन सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सारा लोन एमएसएमई के तहत माना जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 नहीं लिखा एक्ट के बारे में,
इसलिए ऑल बैंक लोन एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत काउंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1 कहता क्या है, ये जरा हमको समझना चाहिए। सेक्शन 1 क्या कहता है आइए देखते हैं। सेक्शन 1 एक तरह की लिमिटेशन लगाता है, वो ये कि अगर कोई बैंक कितना भी फंड लेंडिंग करता है वो किसी भी कंडीशन में 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ये पहले तो अपर लिमिट हो गई। अगर कोई बैंक इससे ज्यादा लेंडिंग करता है किसी भी सेक्टर को तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का फायदा वो नहीं ले सकता, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की क्लासिफिकेशन में उसे नहीं लिया जाए। अब दूसरी बात, इसमें भी इस 40 में 18% तो एग्रीकल्चर के लिए है, 18% तो एग्रीकल्चर के लिए है, तो बचा कितना 22%। इस 22% में जो कि मुझे क्लियरली याद नहीं है, कुछ पार्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, कुछ अदर पार्ट है सोशल इंफ्रा क्रिएशन के लिए, एमएसएमई के लिए भी कुछ पार्ट है। तो मान लेते हैं वो परसेंटेज है एन, कुछ 2-3% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो परसेंट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं इसलिए मैंने एन परसेंट लिखा। मान लीजिए वो परसेंटेज है एन, तो एन परसेंट से ज्यादा अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत एमएसएमई को लोन देती है तो उसे भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत नहीं माना जा सकता। इसलिए ऑल लोन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। ये चर्चा आपके सामने करनी जरूरी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और ये तो इसके कारण गलत ही था, ठीक है। ऑल बैंक लोन प्रायोरिटी सेक्टर, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 20 करोड़ वाली बात ये रिवाइज्ड है, ये हमने देख लिया, पहले वही 10 करोड़ था, चाहे आप जिसके हिसाब से देखोगे ही नहीं हुआ। उद्योगबंधु.com ये एमएसएमई के प्रमोशन के लिए ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आप इसे जब क्लिक करते हो तो आपको मिलता है कि MSMEs are eligible for priority sector, an amount should not exceed as specified in section 1 of the act, ठीक है, तब जाके ये बात अपने आप में पूरी होती है। आइए और देखते हैं, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर, एक एक चेक करते हैं, और स्विफ्ट सिस्टम। तो पहले तो विदाउट यूजिंग डॉलर, क्या आप सीबीडीसी का इस्तेमाल कर सकते हो? यस, क्यों? डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी जरूर है, लेकिन डॉलर इज ओनली करेंसी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में देयर आर अदर फॉरेन करेंसीज जस्ट लाइक ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जैपनीज येन एंड चाइनीज युआन, देयर आर अदर करेंसीज थ्रू विच ट्रेड कैन बी डन, देयरफॉर डॉलर के बिना भी पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डॉलर वाली बात तो सही है कि विदाउट यूजिंग डॉलर, हाँ। अब विदाउट यूजिंग स्विफ्ट सिस्टम, SWIFT, ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम दो देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो पेमेंट को कंफर्मेशन करने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो चूंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के माध्यम से आप स्वयं डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसे किसी स्विफ्ट नेटवर्क को यूज करने की बाध्यता नहीं है, क्योंकि इसमें तो डिजिटल डेटा ट्रांसफर डायरेक्ट और इमीडिएट होता है। ऐसे किसी स्विफ्ट मैकेनिज्म के तहत आपको पेमेंट करने की बाध्यता नहीं, ऐसी कंडीशन पे ये स्टेटमेंट भी सही है, विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। सेकंड, ये पहला स्टेटमेंट हमें सही मिल गया। दूसरा, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग, हाँ, कि किसी भी डिजिटल करेंसी को कितने टाइम फ्रेम में खर्च करना है वो प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीबीडीसी किस तरह से होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, ये सेंट्रलाइज हो सकता है, मतलब कि कोई आरबीआई से कंट्रोल करती है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है कि मतलब कोई इसको जो है आरबीआई टाइप की बॉडी इसे कंट्रोल नहीं करती। ये तो दो बातें हो गई, ठीक है।
अब तीसरी बात, ये डिसेंट्रलाइज में ब्लॉकचेन बेस हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिना ब्लॉकचेन के हो सकती है, वो भी हो सकती है, इसमें कंडीशन रखी जा सकती है कि कितने ड्यूरेशन में इसे खर्च करना है, नहीं तो ये करेंसी जो है वो डिजिटल फॉर्म से इरेज हो जाएगी, तो वो कंडीशन भी मेंशन की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि द डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन, तो इसमें डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ब्लॉकचेन या विदाउट ब्लॉकचेन के तहत इसको किसी टाइम फ्रेम के लिए फिक्स किया जा सकता है, बस इतनी बात जाननी। तो इस तरह से इसमें दोनों कथन सही है, तो बोथ, इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, यहां पे देखो बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबका हो गया ना। चलिए अब 91 का एक बार बता दीजिए। हाँ, 92 का हमने सी बताया, 91 का हमने बताया डी, दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे। थैंक यू सर। 92 में ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंट्रीज, ये 24 मार्च 2022 का डेटा है कि कंट्रीज विल बी एबल टू डायरेक्टली एक्सचेंज डिजिटल करेंसीज इन बायलेटरल वे एंड विदाउट गोइंग थ्रू स्विफ्ट और सिमिलर सेटलमेंट सिस्टम, बिना किसी स्विफ्ट या बिना किसी स्विफ्ट जैसे सेटलमेंट सिस्टम के आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, वो पॉसिबल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू, बीटा मतलब बीटा फाइनेंस होता है। अब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में हम एडवांस क्लासेस में पढ़ाते आए हैं पीछे से कि बीटा फाइनेंसिंग क्या होते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में अपने फंड के रिस्क को कवर करने के लिए हेजिंग एक मैकेनिज्म होता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की है, आपका पैसा डूब सकता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप हेज फंड में कुछ पैसा लगा देते हो। लेकिन जहां पे हेजिंग काम ना करे तो उस सिचुएशन को हम बीटा फाइनेंसिंग कहते हैं। जब हेजिंग काम नहीं करती, हेज फंड अपने आप में फेल हो जाता है, उसका असर काम नहीं करता, हेज फंड बिकम एन इनइफेक्टिव मैकेनिज्म, उस सिचुएशन को हम बीटा फाइनेंस कहते हैं। अब अगर आपको बीटा फाइनेंस पता है तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नो, साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग इज नॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है। बी, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवार्ड, इसे हेजिंग कहते हैं। ये जो बी लिखा है ना, इसको हेजिंग कहते हैं प्रॉपरली। हेजिंग की स्पेलिंग क्या होगी हम लोग पढ़ेंगे एडवांस क्लासेस में, HEDGING, हेजिंग कहते हैं इसको, ये जो बी में लिखा है। सी क्या है, अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। यस, जहां पे परफेक्ट हेजिंग पॉसिबल नहीं होती उस टाइम में हम बीटा फाइनेंसिंग टर्म का यूज करते हैं। ये एक टाइप का सिस्टमिक रिस्क है दैट अराइजेस जबकि परफेक्ट हेजिंग काम नहीं करती। देखो, परफेक्ट हेजिंग कहने का मतलब ये है कि आप बेस्ट से बेस्ट हेज मैनेजर रख लो, वो भी आपको आपके रिस्क को कम नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम परफेक्ट हेजिंग कहते हैं। परफेक्ट हेजिंग क्या किसे कहते हैं, जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट हेज मैनेजर को लगाते हो अपने रिस्क को कम करने के लिए, तो उसे हम परफेक्ट हेजिंग कहते हैं। जब वो भी काम नहीं करता तो हम उसे बोलते हैं ये बीटा फाइनेंसिंग, ठीक है। बाकी और ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सी है। चलिए, बीटा फाइनेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टोपीडिया में आप डिटेल पढ़ सकते हैं, आपके सामने डिटेल है यहाँ पे कि बीटा फाइनेंस इज अ मेजर ऑफ वाइटलिटी ऑफ सिस्टमिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो कंपेयर्ड टू द मार्केट एज अ होल। एंड ऊपर क्या लिखा है, बीटा इज द हेज रेशियो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे आपका आंसर है सी। 94, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2023 के पेपर के डिस्कशन का, कि द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। अब देखिए, माइक्रो फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए 1976 में, ठीक है, 1976 में मोहम्मद यूसुफ
जो कि इकोनॉमिस्ट हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इसे शुरू किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे लोन देने के लिए गांव में, खासतौर से महिलाओं को और गरीबों को और डिप्राइव्ड सेक्शन को, गरीब कमजोर वर्गों को, सो दैट कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से है, इसी से गलत हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कहीं लिखा नहीं इन इंडिया, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 1992 में नाबार्ड ने इसे शुरू किया था, तो स्टेट बैंक वाली बात यहां भी लागू नहीं होती। ठीक है, इन दैट कंडीशन। अभी क्वेश्चन में क्यों आया, इसी साल मार्च में यानी कि मार्च 2023 में स्टेट बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है माइक्रो फाइनेंस के लिए, माइक्रो फाइनेंसिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके लिए लॉन्च किया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया और स्टेट बैंक का नाम इसलिए दिया गया, लेकिन ओरिजिनली जहां पे पूछा गया है, ओरिजिनली इनिशिएटेड, तो उसमें या तो मोहम्मद यूसुफ की बात मानी जाए बांग्लादेश के केस में, या नाबार्ड की बात मानी जाए भारत के केस में, इन बोथ द कंडीशन आपका स्टेटमेंट नंबर वन इनकरेक्ट है। ठीक है, इन दोनों परिस्थितियों में आपका जो पहला कथन है वो गलत है। दूसरा, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक। देखो, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी मेंबर सदस्य होते हैं, ऐसे जैसे मान लो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब इसमें ये अलग अलग मेंबर हैं, है ना, ABCD। तो अगर ये जाके किसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए किसी RRB से लोन लेते हैं, तो ये पैसा कहाँ आया, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो इस लोन की जिम्मेदारी इन सभी सदस्यों की होगी, ना कि केवल एक सदस्य की, कि वो इस लोन को समय पर पूरा करें, इसका ब्याज समय पर अदा करें। वो जिम्मेदारी पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की है, ना कि केवल एक मेंबर की। इसीलिए किसी एक मेंबर की कोलेटरल का यूज SHG लोन के लिए नहीं होता। मतलब कि अगर मैं SHG के लिए लोन लेने जाऊं तो मैं अपनी जमीन, अपने घर के कागजात के माध्यम से लोन नहीं ले सकता, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। इन दैट कंडीशन, इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक। यस, करेक्ट। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG। यस, किस बात में सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट फॉर टू पर्पजेस। वन, लेंडिंग। SHG को लोन नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता, नाबार्ड शुरू करता है, तो किसी कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को पैसा जाता है और उससे जनता को पैसा मिलता है। तो एक तो लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए ये बैंक सपोर्ट करती हैं, दूसरा डेटा कलेक्शन के लिए कॉमर्शियल बैंक और RRB SHG को सपोर्ट करती हैं, डेटा से संबंधित जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कथन गलत था, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, तो कितने कथन सही हो गए, दो, ओनली टू कहाँ पे है, बी में। ठीक है, हम यहां तक पहुंच गए। हाँ, यहां पे आप इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि 1991 में नाबार्ड स्टार्टेड प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन लार्ज स्केल। इन 93 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आल्सो अलाउड SHG टू ओपन सेविंग अकाउंट। तो ये सब यहां से शुरू होता है। और इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप इसको और थोड़ा सा देख सकते हो, साथ में कि इसमें रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन एंड ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन में। सो आप लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन का रिव्यू कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। और हम लोग जल्दी से अभी आगे क्लास शुरू करने वाले हैं, एंड कीप हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन के लेवल तक जाके पढ़ाई करिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। आप लोग सभी इतने मैच्योर एंड ग्रेजुएट हैं कि आप इस एग्जामिनेशन को बीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ करनी होगी, थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी अपने साइड से। आपको हर बात के लिए बोलना ना पड़े, हमारे मेंटर्स आपके साथ लगे हुए हैं और आप उनको सर थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस क्लासेस में अलग चलेगी, एडवांस क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लासेस अलग चलेंगी, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कशन है इसलिए बाइलिंगुअल हमने कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, हिंदी मीडियम में, थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक केयर।
थैंक यू सर, आज की क्लास रिकॉर्डेड हुई थी। बाय सर। थैंक यू सर जी। बाय सर। बाय सर। Yeah.